दूसरा ये बताएं कि आपका एमकेएम में तजवीज़ और सिलाई की है, क्या आप एमकेएम के कैंडिडेट हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट कहाँ से पूरे करें? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपने फॉर्म पढ़ लेना था, क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा, अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर दो ये कि जहाँ तक आपने वोट की बात की, वोट तो याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को तय करती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। 27 अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती है, कहीं भी जाती है, की भी जाती है। और जहाँ तक तो पीपल्स पार्टी का कहा, मैंने ज़रूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जिलाई साहब का मैं बेटा जैसा हूँ, बेटा तो उनका खैर है, बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ, और पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की बातें पता दो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं इस सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूँगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट की बात इसमें है नहीं। वो ना माने तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुनान उनके, और वो मान लें तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मुझे को चेयरमैन साहब जदाई साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी, मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। अच्छा, फ्यूचर में इसी तरीके से जो आप मियां साहब कंटिन्यू करते रहेंगे हुकूमत के बेंचेस पर? अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीजन होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है, तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी है। अभी तो हफ्ता दस दिन हुआ है इस पार्टी को इकतदार में आए हुए, तो अभी तो आपने बहुत सारे मजे लेने, मैं भी आपके साथ झूले के अंदर। अच्छा, आपकी वजह से, आपकी वजह से सुना है एमकेएम के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं कि आपकी जो तजवीज़ और ताइफ कुनंदा एमकेएम ने फराम किए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? सुबह सुबह मैं तो सिगरेट पी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं पी हुई है, रोज़ा है। आप बड़ी एनर्जी से आ रहा, हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जिसमें सुबह ही ख़राब हो जाए। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपके एक सबका मैं मेरे साथ रहे हैं जिनके साथ मैं उस लेवल पर ऑपरेट करता हूँ, उनका सवाल करेंगे तो जवाब मुनासिब ही नहीं होगा मेरे जवाब। नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ जो बात जाए उसके खिलाफ वहाँ एहतजाज करना तो मुनासिब है नहीं? ये तो आपकी, मैं सॉरी मिस कर जाऊंगा सर। देखिए, IMF से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान का आपके लिए आपकी मुखालफत हो सकती है सारी पार्टियों के साथ, लेकिन अगर IMF के लिए आप अपनी सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क की लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं, जो नामुनासिब है इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए जैसे 9 मई को। देखिए, शफाफियत तो 75 साल से पाकिस्तान की क्वेश्चन में, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी की नॉमिनेशन पेपर आए हैं या दाखिल कर रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप से, नए सेटअप से, अकेले के सेटअप से, इरेलेवेंट है बात, मेरा नहीं करके इसमें कोई ऐसा कोई पाकिस्तान की तकदीर या पाकिस्तान की किस्मत का मसला ये इस चीज़ से कोई हल होगा है तो भी कोई मसला नहीं, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। आपने कल कहा था कि आप आसफ अली जरदारी साहब के साथ बेटे, तो सियासी बेटे चलें, वो पीपल्स पार्टी वालों से जब हमने ये क्वेश्चन किया कि